समुद्र मंथन विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णित हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। समुद्र मंथन अमृत की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, जो है अमरता का पारलौकिक अमृत। इस घटना के कई पहलू हैं, जैसे कि भगवान विष्णु का कूर्म रूप में अवतार लेना और भगवान शिव द्वारा विष ग्रहण करना। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ समुद्र मंथन की कहानी और इस महत्वपूर्ण घटना के परिणामों को साझा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। इंद्रदेव की गलती। एक बार इंद्रदेव अपने हाथी पर सवार होकर ऋषि दुर्वासा के पास आए। ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को एक अप्सरा द्वारा दी गई विशेष माला भेंट की। इंद्र ने उपहार को स्वीकार किया और माला को हाथी की सूंड पर रख दिया, जिससे वो ये साबित कर सके कि वो एक अहंकारी देवता नहीं है। माला के फूलों में कुछ ऐसी गंध थी जिससे कुछ मधुमक्खियां आकर्षित हो रही थी। उन मधुमक्खियों से परेशान ऐरावत ने माला को जमीन पर फेंक दिया। ऐरावत के इस कृत्य ने ऋषि दुर्वासा को क्रोधित कर दिया। क्योंकि माला भाग्य का निवास स्थान थी, तो इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए था। क्रोधित दुर्वासा ऋषि ने इंद्र और सभी देवताओं को उनकी समस्त शक्ति, ऊर्जा और भाग्य से रहित होने का श्राप दिया। इस घटना के बाद हुए हर एक युद्ध में देवताओं की हार हुई और बाली के नेतृत्व में असुरों ने ब्रह्मांड पर नियंत्रण हासिल किया। बचाव के लिए भगवान विष्णु। देवतागण भगवान विष्णु से सहायता मांगने गए। भगवान विष्णु ने भी उन्हें कूटनीतिक तरीके से स्थिति को निपटने की सलाह दी। इसी सलाह पर देवताओं ने अमरता के अमृत को पाने के लिए असुरों के साथ एक गठबंधन किया और संयुक्त रूप से समुद्र मंथन करके अमृत को प्राप्त करने की युक्ति बनाई। हालांकि विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वो एक ऐसी युक्ति बनाएंगे जिससे केवल देवताओं को ही अमृत प्राप्त हो। क्षीर सागर का मंथन एक दुर्लभ प्रक्रिया थी। मद्रांचल पर्वत का उपयोग मथनी के रूप में किया गया और नागराज वासुकी, जो भगवान शिव के गले में रहते थे, मंथन की रस्सी बन गए। पहले देवों ने सर्प का सिरा थाम रखा था, जबकि असुरों ने पूंछ का सिरा पकड़ा हुआ था। इससे असुर क्रोधित हो गए, क्योंकि जानवर का निचला हिस्सा सिर वाले हिस्से की तुलना में थोड़ा कम शुद्ध होता है। उन्होंने सांप को सिर के हिस्से से पकड़ने पर जोर दिया। भगवान इंद्र को भी पहले से ही इस बात का आभास था कि उल्टा मनोविज्ञान काम करेगा। असुरों ने सांप का सिर पकड़ने की मांग की, जबकि देवों ने भगवान इंद्र की सलाह लेकर उसकी पूंछ पकड़ने के लिए सहमति व्यक्त की। अब वासुकी का सिर का भाग असुरों के पास और पूंछ का भाग देवों के पास था। जब पहाड़ को समुद्र में रखा गया तो वो डूबने लगा। विष्णु तभी कूर्म रूप में, जिन्हें कछुए के रूप में भी जाना जाता है, उसके बचाव में आए और उस पहाड़ को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। देवों और असुरों ने बारी बारी से सर्प के शरीर को आगे पीछे खींचना शुरू किया, जिससे पर्वत घूमने लगा और समुद्र मंथन शुरू हुआ। विष्णु पुराण के अनुसार हलाहल, जिसे कालकूट भी कहा जाता है, समुद्र तल से सतह पर आने वाला पहला भीषण विषैला पदार्थ था। ये इतना घातक था कि ये ब्रह्मांड को तबाह कर सकता था। पृथ्वी पर सृष्टि और जीवन को बचाने के लिए भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और समस्त देवतागण भगवान शिव से मदद प्राप्ति हेतु कैलाश को गए। भक्त वत्सल भगवान शिव ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए उस विष का सेवन किया और उस विष से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ या नीले गले वाला भी कहा जाता है। सभी प्रकार की जड़ी बूटियां समुद्र में डाली गई और उससे 14 रत्न या खजाने उत्पन्न हुए। वे असुरों और देवताओं के बीच में विभाजित थे। समुद्र से निकलने वाली दो देवियां। देवी लक्ष्मी, लाल रंग की स्वर्णिम साड़ी में लिपटी हुई भाग्य और स्वास्थ्य की देवी लक्ष्मी ब्रह्मांडीय महासागर से निकलती हैं। उन्होंने भगवान विष्णु को शाश्वत पति के रूप में स्वीकारा। अप्सराएं, रंभा और मेनका जैसी अप्सराएं समुद्र से निकली। उन्होंने गंधर्वों को अपने साथी के रूप में चुना। इंद्रदेव के दरबार में गंधर्व संगीतकार थे और अप्सराएं नृत्य करने वाली सुंदरियां थी। तीन प्रकार के अलौकिक जानवर। कामधेनु इच्छा पूर्ति करने वाली गाय थी, जिसे ब्रह्मा जी द्वारा लिया गया और बाद में ऋषियों को दे दिया गया।
ताकि उसके दूध से निकला हुआ घी यज्ञ और इसी तरह के अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ऐरावत। ऐरावत और कई अन्य हाथी भी समुद्र से निकले, जिन्हें इंद्रदेव ने ले लिया था। ऐरावत हाथी को सभी दिशाओं का रक्षक कहा जाता है और इसे पृथ्वी को आकाश से जोड़ने वाला भी कहा गया है। उच्चेश्वा। उच्चेश्वा सात सिर वाला घोड़ा था, जो असुर राजा बाली को दिया गया। बर्फ की तरह सफेद रंग के इस घोड़े को सभी घोड़ों का राजा कहा जाता है। तीन कीमती सामान भी प्रकट हुए। कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि दुनिया का सबसे मूल्यवान दिव्य गहना है, जो विष्णु द्वारा पहने गए हार में जड़ा हुआ है। पारिजात। समुद्र की गहराई से पारिजात नामक एक दिव्य पुष्प वृक्ष निकला। पारिजात को स्वर्ग का फूल भी कहते हैं। इंद्रदेव ने शानदार फूल वाले इस पेड़ को देवलोक में ले जाने का फैसला किया। हिंदू धर्म में पारिजात के फूलों को तोड़ना मना है और केवल गिरे हुए फूलों का उपयोग ही देवताओं की पूजा के लिए किया जा सकता है। शारंग। शारंग विश्वकर्मा द्वारा तैयार किए गए दो दिव्य धनुषों में से एक था। भगवान विष्णु ने इस धनुष का उपयोग अपने परशुराम, राम और कृष्ण अवतारों में किया था। इसके अलावा मंथन से कुछ और भी बहुमूल्य निकला। चंद्र। चंद्रमा। भगवान चंद्र कीमती रत्नों में से एक के रूप में प्रकट हुए और भगवान शिव ने उन्हें अपने सिर पर उलझे हुए बालों में शरण दी। धन्वंतरी। धन्वंतरी अमृत का पात्र लेकर समुद्र से निकले। वो चिकित्सकों के देवता के रूप में जाने जाते हैं और उन पर पुरानी चिकित्सा पद्धति के ज्ञान के प्रसार का दायित्व था। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। हलाहल। हलाहल मंथन से निकला भीषण विष था, जिसे भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया। पांचजन्य शंख। इस शंख को भगवान विष्णु द्वारा लिया गया था। प्राचीन काल में शंख की ध्वनि युद्ध की शुरुआत का संकेत देती थी। कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष भी समुद्र मंथन से निकला और कहा जाता है कि ये इच्छा पूर्ति करने वाला एक दिव्य वृक्ष था। अमृत। अंत में अमृत निकला, जिसे धन्वंतरी जी कलश में धारण किए हुए थे। ये अमरता का स्वर्गीय अमृत था। इसके लिए देवों और असुरों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। इसे असुरों से बचाने के लिए गरुड़ ने कलश को लिया और युद्ध के मैदान से ही उड़ गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से अपील की, जिस पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। एक सुंदर और मोहक कन्या के रूप में मोहिनी ने असुरों को विचलित करके अमृत ले लिया और फिर उसने इसे देवताओं के बीच में वितरित किया। सभी देवताओं ने इसे पी लिया। स्वरभानु नाम के एक असुर ने खुद को देव के रूप में प्रकट किया और थोड़ा सा अमृत पी लिया। मोहिनी ने उसके भेष को देखा और असुर के गले से अमृत के गुजरने से पहले ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। उस दिन से उसके सिर को राहु और उसके शरीर को केतु कहा गया, जो बाद में दोनों ग्रह बने। अंत में समुद्र मंथन देवों के पक्ष में एक सफल आयोजन था। वहीं असुरों ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया और अंततः देवों से हार गए। इस व्यापक घटना में हमने भगवान विष्णु को एक नए कुर्म अवतार के रूप में देखा। भगवान शिव द्वारा जहर को अपने गले में धारण करके ब्रह्मांड को बचाते हुए देखा और अमृत या कहें दिव्य अमृत का जन्म होते हुए देखा। ये घटना हमें सम्मान, लालच, वासना और नैतिकता के सिद्धांत सिखाती है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा करना ना भूलें। अब आपसे मिलते हैं हम नए वीडियो में। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं।